नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। बरेली में आज फिर मिले कोरोना के 190 नए मरीज। एक कोरोना पेशेंट की मौत। बरेली में नहीं थम रहा कोरोना ग्राफ। बरेली मंडल के हालात चिंताजनक। कहीं बरेली वुहान के रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ेगा। बरेली वासियों हो जाओ सावधान। दर्शकों, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं एड्रेस लेकर आया हूँ आपको। 8 तारीख के 8 अगस्त 2020 के जो भी कोविड-19 बरेली के अंदर पेशेंट्स हैं, उन सभी के एड्रेस लेकर आया हूँ। आज जो रिपोर्टिंग टोटल जो रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 190 लोगों की जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई थी। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपके लिए सारे एड्रेस बता देता हूँ कि किस किस एरिया से आपका जो पेशेंट आया, ताकि आपको कंटेनमेंट जोन के बारे में पता चल जाए। तो हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक जो एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ लाइन से, ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दर्शकों, जो पहले दो केसेस हैं वो आपके चावाई बरेली से आपका यहाँ पे दो केसेस आए हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं छोटी बौनपुरी से। यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को ज्यादा रखूंगा, ताकि आपका कम समय वेस्ट हो और आप लोग इस जो है सारे एड्रेस को देख लें। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी बौनपुरी के बाद देख सकते हैं जगतपुर से आपके यहाँ पे दो केस हैं। उसका देखिए बाके की छावनी बरेली से आपके केस आए हुए हैं, यहाँ पर देखिए दो केस हैं। उसका देख सकते हैं जगतपुर से भी आपका यहाँ एक और केस है। फिर संजयनगर और उसके बाद फिर चावाई से आपका केस है। उसके बाद देख सकते हैं रोहिली टोला बरेली से आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। गुलाबनगर बरेली से आपका केस आया हुआ है। वैष्णोपुरम कॉलोनी से भी आपका केस यहाँ पर आया हुआ है। गुलाबनगर बरेली से भी आपका केस आया हुआ है। वैष्णोपुरम कॉलोनी जगतपुर से फिर एक और देखिए यहाँ पे केस आया हुआ है। उसका देख सकते हैं गुलाबनगर से भी आपका केस है। क्वाड़ापीर बरेली से भी आपका केस आया हुआ है। और देख सकते हैं डिनाइटल हाइडल कॉलोनी से भी आपका यहाँ पर केस आया हुआ है। आरपीएस पीएस एनईआर इज्जतनगर से भी आपका केस आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं सैदपुर इज्जतनगर से आपका यहाँ पे केस है। पनवारा रामपुर साइड का केस है आपका। आरपीएफ क्राइम सेल इज्जतनगर साइड का आपका केस है। बाकी आप देख सकते हैं बालघाटी कटरा चांद खां से भी आपका यहाँ पर केस आ रखा है। उसका फिर देख सकते हैं आप लोग यहाँ रेलवे से साइड से केस है। उसका देख सकते हैं नकटिया बरेली से भी आपका यहाँ पर केस आया हुआ है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फिर आपका जो केस है वो आप देख सकते हैं आरपीएफ लाइन इज्जतनगर साइड से आपका केस यहाँ पर आया हुआ है। उसके देख सकते हैं जोशी वाली गली संजय नगर से आपका यहाँ पर केस आया हुआ है। आगे देख सकते हैं राजू नगला से आपका केस आया हुआ है। और देखिए मोहनपुर बरेली से आपका यहाँ पर केस आया हुआ है। आरपीएफ लाइन इज्जतनगर साइड से केस आया हुआ। फिर यहाँ देखिए वहीं से केस आया हुआ आपका। और यहाँ देख सकते हैं लगातार चार केस आपके यहाँ पर जो है आपके आए हुए हैं क्वाड़ापी बरेली से। और नेक्स्ट केस देख सकते हैं गुलाम नबी प्रतापपुर से भी आपका, जीवन शाही पीलीभीत साइड से आपका यहाँ पर केस आया हुआ है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आरपीएफ लाइन इज्जतनगर साइड से आपका यहाँ पे केस है। ठीक है, यहाँ पर आप दिख रहा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं सिविल लाइन बरेली से भी आपके देख सकते हैं यहाँ पे चार केस लगातार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सिविल लाइन बरेली से भी यहाँ पे आपके चार केस आए हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सुरेश शर्मा नगर से भी आपका केस है। राम जानकी मंदिर से आपका केस है। और इंद्रानगर बरेली से आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। ख्वाजा कुतुब बिहारीपुर से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। उसका देख सकते हैं स्वाले नगर से आपका यहाँ पे केस है। मौलाना नगर से आपका केस है यहाँ पर। सिविल लाइन मिशन बरेली साइड से भी आपका केस आया हुआ है। पूर्वांचल नगर बरेली से भी आपका यहाँ पर केस है। राम जानकी मंदिर से फिर आपका देखिए यहाँ पे केस आया हुआ है। उसका देखिए फिर राम जानकी मंदिर से डीडीपुरम बरेली से आपका यहाँ पे केस है। और देख सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर 23 फीट ले आपका जो सेंटर आया हुआ है। बिहारीपुर सिविल लाइन से भी यहाँ पे आपका केस है। एमएच बरेली से आपका केस है। मॉडल टाउन बरेली से भी देखिए दो केस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। किला रामपुर रोड बरेली से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केस है, सॉरी बाकी दो राम जानकी मंदिर से आपके नीचे देख सकते हैं दो केस और आए हुए हैं। और राम जानकी मंदिर टिवन कॉम्प्लेक्स बरेली से भी आपका केस है। आवला गंगापुर साइड से भी आपका यहाँ देख सकते हैं केस आया हुआ है। मॉडल टाउन से भी आपका यहाँ केस है। राजेंद्र नगर से आप यहाँ देख सकते हैं तीन केस यहाँ पर आए हुए हैं। आगे अगर हम देखें गंगवार इनक्लेव से आपके यहाँ पर दो केस हैं। आप देख सकते हैं कर्मचारी नगर साइड पड़ता है गंगवार इनक्लेव, वहाँ पे भी दो केस हैं। प्यारे लाल कॉलोनी जतनगर से यहाँ पे देखिए आपको दो केस आए हुए हैं। प्यारे लाल कॉलोनी से गंगापुर इनक्लेव से आप देखते हैं एक और केस है जो आपका यहाँ पे कर्मचारी नगर साइड है। साहूपारा पांडे जी के फाटक के पास से भी यहाँ पर आपका केस आया हुआ है। आगे देखें तो सनसिटी विस्तार बरेली से भी आपका केस है। स्टेट बैंक कॉलोनी से भी आपका केस है। गोकुलधाम सैदपुर से भी आपका यहाँ पे केस आया है। भूड़ो से भी आपका केस आया हुआ। पंजाब पुरा से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो केस है यहाँ दिख रहे होंगे आपको। गांधीपुरम फेज बरेली से भी यहाँ केस है। जोगी नवादा बरेली से भी आपका केस आया हुआ है। किला छावनी रामपुर मोड बरेली से भी यहाँ पे आपका केस है। तिवारी जी के मंदिर सुभाष नगर से आपका यहाँ पे केस आया हुआ है।
गांधीपुरम से आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे दो केस है। सैदपुर बरेली से भी आपका यहाँ पे एक केस है। विद्या और यहाँ देखिए विद्यालय ऑफिस बरेली से भी आपका केस है। यहाँ पर वीडियो में मेरी स्पीड थोड़ी सी आपको ज्यादा लग रही होगी, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उसमें आपको दिक्कत होगी। आप लोग आप फटाफट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में दे दूंगा ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर लें। मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय वेस्ट हो, फटाफट अंदाज में जो भी आपके एड्रेस देखने आप देख लें। उसका देख सकते हैं ब्रिजलॉक कॉलोनी नियर सू धर्मकांटा साइड भी आपके देखिए यहाँ नीलदेव हॉस्पिटल साइड भी आपका केस है। अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा मरीनाथ में भी केस आया हुआ है। जनकपुरी बरेली से भी आपका यहाँ पे केस है। और देख सकते हैं गुलमोर पार्क से भी आपका पटेल नगर साइड से बरेली में केस आया हुआ है। सैदपुर बरेली से भी आपका यहाँ पे केस है। शिवाजी कॉलोनी बरेली से भी आपका केस है। एराज नवाब बरेली से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। एयरफोर्स गेट इज्जत नगर साइड से भी आपका यहाँ पे केस है। यहाँ पे देखिए जमुनिया जगीर भोजीपुरा साइड से भी आपका केस आया हुआ। थाना नवाबगंज बरेली से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। उसके बाद देखें तो रूपपुर कमलू रूपपुर कृपा पीलीभीत से भी आपका यहाँ केस आया हुआ। ग्रेटर आकाश कॉलोनी से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दो केस है। फिर देख सकते हैं आपका खैलम से भी केस है। फरीदपुर से भी आपका केस है। रतनपुरी से भी आपका केस है। और देख सकते हैं शाहपुर बनियान से भी आपका केस है। मलीपुरा से भी है, देखिए शिवपुरी से है। और उसके देखिए लंगूरा से है आपका। और फिर देख सकते हैं बिहार बड़ा बाजार साइड से भी, बिहारीपुर साइड से, सुभाष नगर से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे केस है। क्वारंटीन सेंटर से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। लाल फाटक से भी आपका केस है, देख सकते हैं लाल फाटक पूरा एड्रेस देख रखा है। लाल फाटक राधा बिहार कॉलोनी साइड से आपका यहाँ पे केस है। पर्सनल लाइन ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली कैंट से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। उसका देख सकते हैं पर्सनल लाइन मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली कैंट से आपके तीन केस है, तो एक ऊपर था। पटेल नगर से भी यहाँ पे आपका केस है। औला से भी आपका केस है। पुलिस लाइन बरेली से भी यहाँ पे आपका केस है। मणिनाथ सुभाष नगर से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। प्रेस कॉलोनी प्रदर्शनी नगर से भी आपका केस है। प्रदर्शनी नगर से भी यहाँ पे आपका केस है। कालीबाड़ी से भी आपका केस आया हुआ है। बारादरी बरेली से भी आपका यहाँ पे केस है। सुभाष नगर बरेली से केस है। बाकरगंज से भी आप यहाँ देख सकते हैं केस आया हुआ है। शास्त्री नगर से भी केस है। ब्रह्मपुरा से भी केस है। हार्टमैन से आप देख सकते हैं यहाँ पे चार केस है, दो और दो चार हार्टमैन से केस है। और देख सकते हैं अब यहाँ पे ढौर सुतैया से आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। और देखिए फाइक इनक्लेव से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। एसरमा सिटी भोजपुरा से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। भोजीपुरा से एक और केस आया हुआ है। एसरमाद आईएमएस मेडिकल कॉलेज से भी केस आया हुआ है। हाजियापुर सकलैनी मदरसा से भी आया हुआ है। आपका धौरा टांडा से भी आपका केस आया हुआ है। सुरेश शर्मा नगर से भी आपका केस आया हुआ है। भोजीपुरा से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। इज्जत नगर सिद्धार्थ नगर से आपका केस है। डिफेंस कॉलोनी जीडी मेमोरियल स्कूल से भी है। आप देख रहे हैं भिटौरा से भी केस है। बदायूं से भी केस है। मुंशी नगर इज्जत नगर साइड से यहाँ पर जो केस है आपको पूरे बरेली मंडल के मिलेंगे। केवल बरेली शहर के नहीं, पूरे बरेली मंडल हम लोग कवर करते हैं। और देखिए बिलेज रघापुर से भी आपका केस आया हुआ है। चावाई अलका होटल साइड से केस है। मलुकपुर सुनारो वाली गली से भी केस है। धोरा टांडा देखिए एक और केस है धोरा टांडा साइड से। अभयपुर भोजीपुरा साइड से भी केस है। मलुकपुर सुनारो वाली गली से यहाँ पे देख सकते हैं दो केस है। और फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे मखेपुर सुनारो वाली यहाँ पे देखिए फिर एक और आपका केस आया हुआ है। यहाँ पे हार्टमैन कॉलोनी से भी आपका केस है। वो हार्टमैन से एक और केस है यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं रुद्रपुर गल्ला मंडी से भी आपका केस है। और देखिए कैनल कॉलोनी किच्छा से भी आपका केस है। और यहाँ देख सकते हैं कुर्मांचल नगर इज्जत नगर से भी आपका केस आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप ग्राम मनपुर पोस्ट शेरगढ़ साइड से भी आपका बरेली साइड से केस है। हार्टमैन कॉलेज से भी आपका यहाँ देख सकते हैं केस है। दातागंज बदायूं से भी आपका यहाँ पे केस है। सिंधु नगर कटरा साइड से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। आजाद नगर कटरा साइड से भी आपका यहाँ केस आया हुआ है। सिविल लाइन बरेली से भी आपका यहाँ केस है। वो नरेंद्र बिहार प्रेम बरेली से भी आपके केस है। और देख सकते हैं बीसलपुर साइड से रिठौरा बरेली से आपका केस है। कटरा खां चांद खां से भी आपका केस है। वो मलीनाथ से भी आपका केस है। हनुमान मंदिर के पास हनुमान गढ़ी के पास से नवादा से भी आपका केस आया हुआ है। नियर मॉडर्न रेलवे कॉलोनी से केस है। पंजाब नेशनल बैंक से भी आपका यहाँ साइड से केस आया हुआ है। और देखिए वैष्णोपुरम से भी केस है। आवाज विकास बरेली से भी आपका केस आया हुआ है। एसपीआर ऑफिस से ही बरेली से आया हुआ है। एसआरएमएस आईएमएस से भी आपका यहाँ केस आया हुआ है। फतेहगंज से भी आपका केस है। फतेहगंज वेस्ट से आपका केस है। और देखिए पनवड़िया से भी केस है। और देखिए सुभाष नगर आपका देखा है। विश्वनाथपुरम से भी आपके यहाँ पे लगातार तीन केस यहाँ पर आए हुए हैं। उसका देख सकते हैं आलोक नगर बरेली से भी आपका केस है। आईवीराज कैंपस इज्जत नगर से भी आपका यहाँ पे केस आया हुआ है। सिविल लाइन से भी आपका यहाँ केस आया हुआ है। एसरमस आईएमएस से आपके लास्ट के यहाँ पर दो केस आते हैं। तो दर्शकों ये थी आज की हमारी 8 तारीख की पूरी लिस्ट, जिसमें मैंने आपको सारे एरिया बता दिए कि बरेली के अंदर कहाँ कहाँ से कोविड 19 के पेशेंट आए, ताकि आपको कंटेनमेंट जोन या आपको उस जोन के बारे में पता चल जाए जहाँ पर केसेस जो है लगातार आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे एड्रेस बता देते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आपको सारे एड्रेस के बारे में पता चल जाए। दर्शकों इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।